Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello everyone. Let's start with the chapter 2, biological classification. Biological is related to living organisms and classification is कैसे किसी organism को classify करते हैं, characterize करते हैं. Like कि आप में से किसी का भी नाम है. For example, किसी का नाम अमन है. So, आप अमन के बारे में सोचते ही यू कैन से कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं. ये स्टूडियस है, लेबोरियस है, नॉटी है. फर्क सिर्फ इतना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दैट पहले आप कैरेक्टराइज करते हो, पहले आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो, देन आप नेमिंग करते हो. सो लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन कि कैसे क्लासिफिकेशन इवॉल्व हुई. सबसे पहले किसने अटेम्प्ट किया क्लासिफिकेशन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. सबसे पहले क्लासिफिकेशन का अटेम्प्ट किया एरिस्टोटल द फादर ऑफ बायोलॉजी ने. उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स. फर्दर उन्होंने कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स जो थे उन्हें फर्दर सब क्लासिफाई किया इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स डिपेंडिंग अपॉन देयर साइजेस कि कुछ टॉल है, मीडियम है एंड शॉर्ट है. वैसे ही उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया दैट दे पोजेस रेड ब्लड और दोज हु डोंट पोजेस रेड ब्लड. और जैसे वो किस हैबिटेट में रहते हैं, आर दे लैंड एनिमल्स, वाटर एनिमल्स और एयर एनिमल्स. बट ये क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल हो गया बिकॉज कुछ ऐसे एनिमल्स थे या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे यू कैन से जो किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं आ रहे थे. ना वो प्लांट्स थे ना वो एनिमल्स थे. फॉर एग्जाम्पल फंजाई. फंजाई ना प्लांट है ना एनिमल है. सो उन ऑर्गेनिजम्स को ये कैरेक्टराइज नहीं कर पाया, क्लासिफाई नहीं कर पाया. नेक्स्ट आया बाय लिनियस. ही गेव टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें आए प्लांटे एंड एनिमेलिए. ये सिस्टम भी फेल हो गया बिकॉज वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए कि कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स हैं और कौन से यूकैरियोट्स हैं. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, इन सबको उन्होंने प्लांट किंगडम में रख दिया. दो बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनमें ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट एंड यूकैरियोट्स में ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट. वैसे ही कुछ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी ये क्लासिफाई या डिफरेंशिएट नहीं कर पाए. फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा को अंडर प्लांट किंगडम में रखा. दो इनमें से कुछ यूनिसेलुलर हैं और कुछ मल्टीसेलुलर, वो इसे भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए. कुछ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स थे और कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स थे. फोटोसिंथेटिक में थे एल्गे एंड नॉन फोटोसिंथेटिक में थे फंजाई. इन्हें भी वो अलग अलग कैटेगरी में नहीं रख पाए. क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, इनको उन्होंने रखा अंडर प्लांट किंगडम एंड पैरामीशियम एंड अमीबा वर कंसीडर्ड एज एनिमल्स. दो अगर आप अभी का क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे देन दे आर अंडर किंगडम प्रोटिस्टा. दोज आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. देयर आर वेरी अटेम्प्ट्स दैट हैव बीन मेड to evolve classification on the basis of morphology, physiology, reproductive similarity and various phylogenetic or evolutionary relationships. Now, at last it came the five kingdom system of classification. It was given by R.H. Whittaker in 1969. He gave five kingdoms. Kaun kaun se the? Monera, Protista, Fungi, Plant and एनिमल्स. दो उन्होंने जो मोनेरा को रखा अंडर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ऑर्गेनेल्स नहीं थी, देवर नोन एज मोनेरन. इसमें आते हैं बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, दिस विल स्टडी इन डिटेल. नेक्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, उनको उन्होंने डिफरेंशिएट किया इंटू यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे उनमें आए प्रोटिस्टा. They were unicellular like monerans, but the difference is they are eukaryotes. इनके पास organelles present होती है. And
मल्टीसेल्युलर को उन्होंने फर्दर डिवाइड किया दोज ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेल वॉल और जो जिनके पास सेल वॉल नहीं थी। तो जिनके पास सेल वॉल थी दे वर कंसीडर्ड एज फोटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। फोटोट्रॉफिक जो सनलाइट की हेल्प से अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं दे वर प्लांटे मींस प्लांट्स एंड नॉन फोटोसिंथेटिक एंड हीटरोट्रॉफिक नॉन फोटोसिंथेटिक बट हैविंग सेल वॉल दे आर फंजाई। और जिनके पास सेल वॉल ही एब्सेंट है दे वर एनिमल्स। सो क्लासिफिकेशन हिस्ट्री में हमने क्या देखा, सबसे पहले एरिस्टोटल ने अटेम्प्ट किया जिनका क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल हो गया बिकॉज कुछ ऑर्गेनिजम्स उसके किंगडम में नहीं आ रहे थे, ना प्लांट्स में आ रहे थे ना एनिमल्स में आ रहे थे। सेकेंड आया लिनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जिनमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए यूनिसेल्युलर में मल्टीसेल्युलर में प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। फाइनली आया आरएच विटेकर का फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिन्होंने यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स विद सेल वॉल विदाउट सेल वॉल इन सभी ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग क्लासिफाई किया।